अब्बास खान के प्यार में है मलाइका अरोड़ा। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास अपडेट में। वेल दोस्तों, मलाइका अरोड़ा को लेकर जब भी कोई खबर आती है तो इन दिनों लगातार अर्जुन कपूर से जुड़ी ही उनकी खबरें आ रही हैं, जहां लगातार ही सोशल मीडिया पर इनकी शादी की चर्चाएं होती जा रही हैं। आए दिन इनकी शादी को लेकर नई नई तारीखें आती रहती हैं, लेकिन इसी बीच अब मलाइका अरोड़ा का एक बयान जो कि उन्होंने अरबाज खान को लेकर एक चैट शो में दिया था, काफी ज्यादा ही वायरल हो रहा है। आज आप जानेंगे कि आखिरकार कैसे अरबाज ही उनकी जिंदगी में वो शख्स थे जो आए और सीधा कोई भी डेटिंग मलाइका अरोड़ा ने नहीं की थी अरबाज के अलावा किसी और के साथ, और फिर शादी हो गई उनकी अरबाज के साथ। लेकिन इसी बीच खबर सामने आई है मलाइका अरोड़ा की से जुड़ी हुई, अर्जुन कपूर से जुड़ी हुई, और मलाइका का क्या बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड में स्टार्स के बीच के अफेयर्स की चर्चाएं आम होती हैं, और काफी लंबे समय से मलाइका अरोड़ा और बॉलीवुड के हैंडसम हंक अर्जुन कपूर के अफेयर की काफी ज्यादा ही अफवाहें उड़ रही हैं। यहां तक कि दोनों की शादी की अफवाहें तक उड़ चुकी हैं। इतना ही नहीं, जब मलाइका और अरबाज का तलाक हुआ था तो अर्जुन कपूर को ही इन सब का जिम्मेदार माना जा रहा था। हर जगह ये खबर फैली हुई थी कि मलाइका अरोड़ा के तलाक के पीछे का कारण अर्जुन कपूर ही है। खैर, बीते दिनों दोनों मालदीव्स में साथ में छुट्टियां बिताने के लिए गए थे। हालांकि दोनों की एक साथ कोई भी फोटो सामने नहीं आई, लेकिन पहले मलाइका ने और फिर बाद में अर्जुन कपूर ने मालदीव्स की फोटो शेयर की थी, जिससे फैंस को ये अंदाजा लग गया था कि भाई दोनों साथ में ही गए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि किसी ने भी नहीं की, लेकिन तस्वीरों में सब बयां हो रहा था। आमतौर पर अपने रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा चुप रहने वाली मलाइका अरोड़ा ने अर्जुन कपूर से अपने रिश्ते को लेकर भी चुप भी थोड़ी थी। जी हाँ, जब मलाइका अनीता श्रॉफ अजानिया के टॉक शो पर गई थी तो उनसे डेटिंग पर एक सवाल पूछा गया था। इस पर जवाब देते हुए मलाइका ने कहा था कि मैं तो डेटिंग के कॉन्टेस्ट को जानती ही नहीं हूँ, मुझे ये सब बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मलाइका ने आगे ये भी कहा था, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे पहले जिस इंसान को डेट किया उससे ही मेरी शादी हो गई, इसके अलावा मैंने किसी को डेट ही नहीं किया। बता दें आपको कि अरबाज और मलाइका साल 1993 में मिस्टर कॉफी के एड शूट के लिए मिले थे, और तो और इसके बाद दोनों में बेहद ज्यादा नजदीकियां बढ़ गई थी। दोनों कुछ एल्बम में भी साथ नजर आए थे। 5 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने साल 1998 यानी कि 1998 में शादी कर ली थी, और शादी के 20 साल बाद कपल ने साल 2017 में तलाक ले लिया था। अब बता दें कि बात करें अरबाज की तो वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। जी हाँ, अरबाज के बारे में खबर है कि वो इस समय जॉर्जिया एंट्रियानी को डेट कर रहे हैं, और पिछले काफी समय से अरबाज को रेस्टोरेंट और पार्टीज एंजॉय करते हुए देखा गया है। वहीं मलाइका और अर्जुन के अफेयर से शादी तक की खबरें खूब चर्चाओं में हैं। इसी बीच बयान सामने आया था अरबाज खान का भी इन दोनों की शादी पर, और काफी ज्यादा हंसते हुए नजर आ रहे थे अरबाज खान। खैर, हंसते हंसते अरबाज खान से जब पूछा गया था ये सवाल कि आप अर्जुन मलाइका की शादी पर क्या कहेंगे, तो अरबाज खान ने दिया था भाई एक ही जवाब कि आपने ये सवाल पूछने में बहुत वक्त लिया होगा, अब मैं भी थोड़ा सोच कर थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे ताकि मैं इसका अच्छा सा जवाब सोचूं और आप लोगों को बता दूं। खैर, इसके अलावा आपको ये बताना चाहेंगे कि मलाइका का ये जो बयान है ये ऐसा लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं अरबाज के बेहद ज्यादा क्लोज है मलाइका अरोड़ा। भले ही दोनों का डिवोर्स हो चुका हो, लेकिन मलाइका अरोड़ा का ये जो बयान रहा है अरबाज खान को लेकर ये काफी ज्यादा ही चौंका देने वाला है। और तो और साथ ही साथ जिस तरीके से मलाइका अरोड़ा की शादी की खबरें आ रही हैं, उसी बीच मलाइका अरोड़ा का ये जो बयान वायरल हो रहा है उससे ये लग रहा है कि अब भी अरबाज खान जो हैं मलाइका अरोड़ा के बेहद ज्यादा करीब हैं। तभी तो देखिए ना, मलाइका अरोड़ा ने ऐसा बयान दिया जो कि बेहद ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है और लगातार ही हर जगह आंधी तूफान की तरह फैल रहा है।